एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ थाईलैंड के एक आलीशान बंगले में रहता था। वो रोजाना की तरह अपने रूम के अंदर बैठा लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, तभी बाहर से एक तेज आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो एक कार उसके मेन गेट से टकरा गई थी। कार में से एक औरत बाहर निकलती है और जब वो हेल्प के लिए आगे बढ़ा तो चारों तरफ से पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। उसका मोबाइल और लैपटॉप जब्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिंपल सा दिखने वाला वो इंसान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उसने एक वेबसाइट बनाई थी और उस वेबसाइट की वजह से 7 देशों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों का कहना था कि वो बहुत ही सिंपल सा आदमी है लेकिन इंटेलिजेंट है और कंप्यूटर का तो वो कीड़ा है। लेकिन जांच में पता चला कि सरल से दिखने वाला ये इंसान और कोई नहीं बल्कि डार्क वेब का किंग था जो अल्फा बे नाम की वेबसाइट चलाया करता था। अब दोस्तों कौन था ये इंसान, कैसे बना डार्क वेब का किंग और इसने एग्जैक्टली क्या किया, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डार्क वेब के किंग अल्फा बे के बारे में। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि डार्क वेब एग्जैक्टली होता क्या है और हर देश के कानून की नजर इस पे क्यों होती है। दोस्तों हम जो इंटरनेट यूज करते हैं इंटरनेट वहीं तक सीमित नहीं है, इंटरनेट पे एक ऐसी भी काली दुनिया है जहां पे ऐसी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज होती है जिसके बारे में हम आम इंसान तो सोच भी नहीं सकते। इस काली दुनिया को डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। डार्क वेब में जो वेबसाइट्स होती है उन पर इलीगल चीजों को खरीदा और बेचा जाता है, जैसे कि हथियार, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, एनिमल के बॉडी पार्ट्स, इंसानों के बॉडी पार्ट और भी कई सारी चीजें। डार्क वेब को आप ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए सर्च इंजन भी अलग से होते हैं और ब्राउजर्स भी अलग से होते हैं। डार्क वेब पर जो भी चीजें खरीदी और बेची जाती है उसकी पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज में होती है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह वगैरह। आप यूं समझ लीजिए क्रिमिनल्स और इलीगल एक्टिविटी करने वालों के लिए डार्क वेब एक तरीके का स्वर्ग होता है। सो अल्फा बे भी डार्क वेब की एक वेबसाइट थी जिसे अलेक्जेंडर केज नाम के कंप्यूटर इंजीनियर ने 2014 में बनाया था। इस पे कई प्रकार की इलीगल चीजें बेची जाती थी, जैसे कि जहरीली मेडिसिन, कंप्यूटर को हैक करने के लिए टूल्स, लोगों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और भी बहुत सारी चीजें। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इस वक्त जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो डार्क वेब पे कितनी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है ये कोई भी नहीं जानता, और जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है तो उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं जो डार्क वेब के एक्टिव यूजर्स होते हैं सिर्फ उनको ही पता होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका का जो FBI है इवन उसको भी पता नहीं होता कौन सी नई वेबसाइट बनी है या फिर ऑपरेट कर रही है। अब सवाल उठता है कि अल्फा बे के बारे में कैसे पता चला, तो इसका आंसर है सिल्क रोड। ये भी डार्क वेब की एक जानी मानी वेबसाइट थी और इसी की वजह से इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज की नजर अल्फा बे पे पड़ी। देखिए 2011 में डार्क वेब का मार्केट बूम पे था और इसी साल शुरुआत हुई सिल्क रोड वेबसाइट की। इसके शुरू होते ही सिर्फ एक साल में 1 लाख से ज्यादा यूजर इस पे जुड़ गए। अब यूजर्स बढ़ रहे हैं तो सेलर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। सिल्क रोड डार्क वेब की टॉप वेबसाइट्स में से एक बन गई। फिर अक्टूबर 2013 में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को एक सीरीज ऑफ नेटवर्क का पता चला जिसके थ्रू इलीगल चीजें खरीदी और बेची जा रही थी। उसके बाद में FBI ने इस चीज की जांच करने के लिए ऑफ ड्यूटी ऑपरेशन चलाया और काफी रिसर्च करने के बाद में एक आदमी की फोटो हाथ लगी जिसका नाम था रॉस उलब्रिज, और यही आदमी सिल्क रोड नेटवर्क का मास्टरमाइंड भी था और ये अपने पर्सनल लैपटॉप से सारी चीजों को कंट्रोल किया करता था। इसे गिरफ्तार करने के बाद में जब लैपटॉप को जब्त किया गया तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को और भी कई सारी वेबसाइट्स के बारे में पता चला जो डार्क वेब पे ऑपरेट हुआ करती थी। उसके बाद में उन सभी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 2014 में अल्फा बे की भी शुरुआत हुई जिसे अलेक्जेंडर केस ने बनाया था, जो कि 24-25 साल का लड़का था। अलेक्जेंडर पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर था, उसने डेवलपमेंट से लेकर इंक्रिप्शन तक हर स्किल में महारत हासिल की थी। ऐसा कहा जाता है कि उसको डार्क वेब का किंग बनना था इसलिए उसने अल्फा बे की शुरुआत की थी। उसने यूजर नेम रखा Alpha02, इसे आप याद रखिएगा। देखिए शुरुआत में वो अल्फा बे पे एज अ कार्डर काम किया करता था और छोटी मोटी इलीगल चीजों को बेचा करता था। अब ये कार्डर क्या होता है? देखिए कार्डर उन क्रिमिनल्स को कहा जाता है जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को चुरा कर बेचते हैं। अलेक्जेंडर कार्डिंग में इतना माहिर था कि उसने कार्डिंग पर 16 पेज की एक बुक लिखी थी जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिंग गाइड। उसने इस बुक को डार्क वेब पे भी सेल किया। इस बुक के अंदर उसने डिटेल में बताया कि कैसे किसी इंसान के कार्ड के को चुराया जा सकता है और बैंक की इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। सो अलेक्जेंडर ने टाइम टाइम पे कई सारी चीजों को अपनी वेबसाइट पे बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से सिर्फ 90 दिनों में अल्फा बे पे 14,000 से भी ज्यादा यूजर जुड़ गए और ट्रेड में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। अलेक्जेंडर अपनी वेबसाइट को सेफ रखने के लिए सभी यूजर्स को सीक्रेट मैसेज के थ्रू ये इन्फॉर्म करता था कि अल्फा बे पर किसी प्रकार की कोई सस्पिशियस चीज नहीं बेची जाती, जैसे कि छोटे बच्चों से जुड़ी इलीगल चीजें, आपत्तिजनक वीडियो या फिर इंसान के माइंड को डिस्टर्ब करने वाली चीजें। अब जब ये सारी चीजें हम बेचते ही नहीं है तो कभी भी अथॉरिटी की नजर हम पे नहीं पड़ेगी। हमारी पहली प्रायोरिटी है आप लोगों की सेफ्टी। इस मैसेज की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग अल्फा बे पर आने लगे। इसके अलावा अल्फा बे का यूजर इंटरफेस भी काफी सिंपल था, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन बना अल्फा बे की पॉपुलैरिटी का। देखिए जैसे हम Amazon, Flipkart पे फिल्टर लगा के आसानी से कोई भी चीज को खरीद सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अल्फा बे के ऊपर भी फिल्टर लगाकर कोई भी चीज खरीदी जा सकती थी, बुक की जा सकती थी या फिर उसके लिए बिडिंग की जा सकती थी। दोस्तों हर डार्क वेब वाली वेबसाइट की तरह इस पे भी बिटकॉइन और इथेरियम में पेमेंट की जाती थी, इस वजह से ट्रांजैक्शन को ट्रैक
करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। 2015 के आखिर तक अल्फाबेट डार्क वेब की सबसे बड़ी वेबसाइट बन गई। इससे पहले अगोरा बेटा नाम की वेबसाइट नंबर 1 पे आया करती थी, लेकिन जब 2015 में अल्फाबे ने अगोरा बेटा को पछाड़ दिया तो उसके यूजर्स भी अल्फाबे के ऊपर आने लग गए और अल्फाबे पे यूजर्स की संख्या 2 लाख और सेलर्स की 40,000 से ज्यादा हो गई। इसका सबसे ज्यादा फायदा अलेक्जेंडर को हो रहा था और वो अपने घर बैठे बैठे पूरी वेबसाइट को ऑपरेट किया करता था। दोस्तों, अलेक्जेंडर ने अल्फाबे की सिक्योरिटी को इतना टाइट रखा था कि उसे पकड़ना तो दूर, FBI जैसे लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके यूजर्स को भी नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि ताश के घर में अगर एक पत्ता भी खींच लो तो पूरा का पूरा घर ही टूट जाता है, और बस ऐसा ही कुछ हुआ अल्फाबे के साथ भी। Alpha02 जो कि अल्फाबे का यूजर नेम था, उसे बदलकर अलेक्जेंडर ने एडमिन कर दिया था और यूजर्स को सीक्रेट मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया कि अब से वो डायरेक्ट सेलर से बात नहीं करेगा। अल्फाबे का बिजनेस उसका कमांडर इन चीफ चलाएगा। ये बात 2016 की है जब अल्फाबे के यूजर्स 2 लाख से ज्यादा थे और रेवेन्यू $3.5 लाख से ज्यादा का था। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को सिल्क रोड के ओनर के लैपटॉप से कुछ वेबसाइट्स के बारे में पता चला था, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चली रही थी। तो वो एक के बाद एक कई ऑनलाइन ड्रग माफियाज, इलीगल एक्टिविटी करने वाले क्रिमिनल्स को पकड़ रहे थे। तो इन्हीं छोटे मोटे क्रिमिनल्स के थ्रू FBI को ये पता चला कि डार्क वेब पर फिलहाल अल्फाबे नाम की एक वेबसाइट टॉप पर है। सो FBI अल्फाबे के पीछे लग गई और एक ऐसे टिप्स्टर को खोज निकाला जो कि कभी अल्फाबे का यूजर हुआ करता था। सो उसने बताया, जब भी कोई यूजर अल्फाबे को ज्वाइन करता है तो उनको वेलकम मेल भेजी जाती है। उसके बाद में FBI ने वो वेलकम मेल देखा और उस मेल के अंदर अलेक्जेंडर से जुड़ा एक सुराग मिल गया। देखिए, ये जो हॉटमेल था, इसके मेटा डेटा में Alpha02 का पर्सनल हॉटमेल आईडी था, यानी कि अलेक्जेंडर का पर्सनल हॉटमेल आईडी। इसे वो 2008 से यूज किया करता था। इसी हॉटमेल आईडी का यूज करके उसने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाया था और कई बार लैपटॉप की रिपेयरिंग के लिए भी इसे यूज किया था। एक डेटिंग वेबसाइट पे उसने इसी आईडी से प्रोफाइल बनाई थी और वहां से FBI को उसकी फोटो मिल गई। उसके बाद में पता चला कि वो कनाडा का रहने वाला है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो थाईलैंड में रहता है। उसके बाद में FBI इन सभी चीजों के ऊपर रिसर्च करने लग गई और दूसरी तरफ अल्फाबे जबरदस्त प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रहा था। इन्वेस्टिगेशन टीम को ये बात तो अच्छे से पता थी कि अलेक्जेंडर बहुत ही शातिर इंसान था, तो उसे डायरेक्ट अरेस्ट करना तो सही नहीं होगा क्योंकि शायद वो उसके कंप्यूटर को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। अभी अल्फाबे की इन्वेस्टिगेशन चली रही थी कि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज की नजर में आता है अल्फाबे का एक और कॉम्पिटिटर जिसका नाम था हंसा मार्केट, जो कि यूरोप के अंडरवर्ल्ड मार्केट का लीडर था। सो इसके बारे में भी एक टिप्स्टर के थ्रू ही पता चला था। फिर इसके सर्वर, IP एड्रेस और दूसरी इन्फॉर्मेशन निकाली गई तो पता चला कि हंसा मार्केट के ऑपरेटर्स इसे जर्मनी से ऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों, शायद हंसा मार्केट के ऑपरेटर को भी इस बात की खबर लग गई थी कि उन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसलिए उन्होंने अचानक ही डच सर्वर से हंसा मार्केट को गायब कर दिया। लेकिन तब तक इन्वेस्टिगेशन टीम को हंसा मार्केट के डेटाबेस में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई और उसी के थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स नेदरलैंड के क्रिप्टो एक्सचेंज तक पहुंच जाते हैं और वहां से ये पता चलता है कि वो क्रिप्टो कॉइन्स लिथुआनिया में ट्रांजैक्ट हो रहे हैं। जिसके बाद में जर्मनी, नेदरलैंड और लिथुआनिया की पुलिस हंसा मार्केट पे ऑपरेशन चलाने की तैयारी करती है, लेकिन FBI उन्हें ऐसा करने से रोकती है और अल्फाबे के ऊपर चल रहे ऑपरेशन के बारे में बताती है। और इसके बाद में दुनिया की 7 कंट्रीज की लॉ एनफोर्समेंट टीम एकजुट होकर शुरू करती है ऑपरेशन बायोनेट। सभी टीम मिलकर एक प्लान बनाती है कि सबसे पहले अल्फाबे के ऑपरेशन को होल्ड पर रखकर हंसा मार्केट को कैप्चर करना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, हंसा मार्केट के ऑपरेटर को चुपचाप अरेस्ट कर लिया गया और इस बात की खबर किसी को भी नहीं लगी। हंसा मार्केट अचानक से स्लो डाउन हो गया क्योंकि ऑपरेटर्स अरेस्ट हो चुके थे, तो हंसा मार्केट के जो सेलर्स थे, बायर्स थे, वो भी अल्फाबे के ऊपर शिफ्ट होने लग गए, जिससे अल्फाबे पर यूजर्स की संख्या डबल हो गई। उसके बाद में अलेक्जेंडर के खिलाफ 1 जून 2017 को यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से रैकेटिंग, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, आइडेंटिफाइड थेट एंड एक्सेस डिवाइस फ्रॉड, ट्रांसफर ऑफ फॉल्स आईडी, ट्रैफिकिंग इन इलीगल डिवाइस मेकिंग इक्विपमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वारंट जारी किया। पर इस बात की खबर अलेक्जेंडर को नहीं लगी। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। 5 जुलाई 2017 को थाईलैंड की एक अंडरकवर ऑफिसर नॉर्मल सिविलियन की तरह एक कार में बैठकर अलेक्जेंडर के मेन गेट पर जोरदार टक्कर मारती है। अलेक्जेंडर हड़बड़ाकर लैपटॉप को बिना लॉग आउट किए हुए अपने रूम से बाहर आता है। ऑफिसर भी कार से बाहर निकलती है। अलेक्जेंडर हेल्प करने के लिए मेन गेट से बाहर आता है और फिर पुलिस तुरंत ही उसे धर दबोचती है और साथ ही उसका लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया जो कि लॉग्ड इन था। फिर उस लैपटॉप को FBI ने खंगालना शुरू किया, जिससे बहुत सारी चीजें सामने आई और सबसे बड़ी जानकारी ये थी कि अल्फाबे पर यूजर्स की संख्या 4 लाख हो गई थी और 3 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड थे। पर डे इसके थ्रू $6 लाख से लेकर $8 लाख तक के ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। अल्फाबे का बिजनेस सिल्क रोड की तुलना में 10 गुना ज्यादा बड़ा हो गया था। साथ ही उसकी भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज सामने आई। ये भी पता चला कि उसकी नेटवर्थ लगभग $23 बिलियन है। बैंकॉक में उसकी 3 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कई सारे देशों में करोड़ों की संपत्ति है और अलग अलग बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। FBI की कस्टडी में 12 जुलाई 2017 को अलेक्जेंडर को थाईलैंड की जेल में मरा पाया गया। फिर पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है और अल्फाबे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। हालांकि 2021 में फिर से अल्फाबे को नए नाम और ब्राउजर के थ्रू रीलॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश पूरी तरीके से फेल रही। सो दोस्तों, ये थी डार्क वेब के किंग अल्फाबे और उसके मास्टरमाइंड अलेक्जेंडर की पूरी स्टोरी। सिर्फ एक ईमेल आईडी
की वजह से अल्फाबे का पूरा एम्पायर बर्बाद हो गया। इस वीडियो में मैंने आपको डार्क वेब, अल्फाबे और अलेक्जेंडर की पूरी स्टोरी बताने की कोशिश की है। अगर गलती से कोई पार्ट मिस हो गया होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।